आज तारीख हो चुकी है 29 जुलाई। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपको सभी 8 खबरों के बारे में बताऊंगा, तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात कर लेते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है, वही केकेआर के विस्फोटक बल्लेबाज बेन कटिंग की तरफ से। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर बेन कटिंग के लेटेस्ट फोटोज देख पा रहे होंगे, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में अब इन्होंने आईपीएल के पार्ट 2 की तैयारियां शुरू कर दी, जहाँ पर केकेआर के किट में अभी आईपीएल के पार्ट 2 की तैयारियों में लग चुके हैं। कुल मिलाकर अब अगस्त के मिडल तक केकेआर की टीम दुबई पहुंच जाएगी और केकेआर के साथ अब बेन कटिंग भी दुबई पहुंच जाएंगे। और आईपीएल के पार्ट 2 में अब बेन कटिंग केकेआर की प्लेइंग 11 का रेगुलर भाग होंगे, जहां पर पैट कमिंस आईपीएल से बाहर हो चुके हैं और इसके साथ ही शाकिब अल हसन भी आईपीएल के पार्ट 2 में उपलब्ध नहीं होंगे। तो बेन कटिंग अब रेगुलरली इस टीम का भाग होंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर कैसा प्रदर्शन बेन कटिंग का आईपीएल के पार्ट 2 में रहेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है भारत श्रीलंका की सीरीज को लेकर। दरअसल कल हुए यहाँ पर दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया के लिए यहाँ पर 4 प्लेयर्स ने डेब्यू किया था, यहाँ पर देवदत्त पाडिक्कल ने, इसके साथ ही ऋतुराज गायकवाड़, इसके साथ ही चेतन सकारिया और यहाँ पर नीतीश राणा ने कल के मुकाबले में अपना T20 डेब्यू किया था। हालांकि कल लो स्कोर होने के कारण श्रीलंका की टीम ने यहाँ पर भारत को मुकाबले में हरा कर 3 मैचों की सीरीज में हाल फिलहाल में 1-1 की बराबरी कर ली। सीरीज का तीसरा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर शाम 8 बजे कोलंबो के स्टेडियम में इस सीरीज का यहाँ पर तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। हो सकता है इस मुकाबले में अब नवदीप सैनी उपलब्ध ना हो, जहाँ पर कल मुकाबले में नवदीप सैनी इंजर्ड हो गए थे। तो नवदीप सैनी की यहाँ पर फिटनेस पर सवाल है। कुल मिलाकर आज इस टीम में यहाँ पर नेट बॉलर को प्लेइंग 11 में इंक्लूड किया जाएगा। कुल मिलाकर टीम इंडिया एक बार फिर से कमजोर प्लेइंग 11 से ये मुकाबला खेलेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर टीम इंडिया आज कमजोर प्लेइंग 11 से ये मुकाबला जीत पाएगी या फिर नहीं। आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम सीरीज जीतेगी, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। अब बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है एमआई और सीएसके की तरफ से। दरअसल 19 सितंबर को हमें एमआई और सीएसके के बीच आईपीएल का यहाँ पर पहला मुकाबला देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर 19 सितंबर को एमआई सीएसके के मुकाबले से आईपीएल की शुरुआत होगी। लेकिन अभी जो खबर निकल कर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग सीपीएल होने के कारण, यानी 15 सितंबर को सीपीएल का फाइनल होने के कारण, शायद विंडीज के प्लेयर यहाँ पर पहले मुकाबले में उपलब्ध ना हो। इसी वजह से शायद हो सकता है कि एमआई और सीएसके की तरफ से यहाँ पर ड्यूएन ब्रावो, काइरन पोलार्ड पहले मुकाबले में उपलब्ध ना हो। कुल मिलाकर एमआई और सीएसके की टीमों को बड़ा नुकसान हो सकता है, स्पेशली एमआई की टीम को बड़ा नुकसान हो सकता है। जहाँ पर आईपीएल के पार्ट 1 में जो एमआई सीएसके का मुकाबला हुआ था, वहां पर काइरन पोलार्ड ने महज 33 बॉल में 87 रन की नॉट आउट पारी खेलकर एमआई की टीम को यहाँ पर 220 से भी अधिक का यहाँ पर लक्ष्य अपनी तरफ से यहाँ पर मैच जितवाया था। तो कुल मिलाकर एमआई की टीम को बड़ा नुकसान हो सकता है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर एमआई और सीएसके के पहले मुकाबले में आखिर कौन सी टीम आईपीएल में जीत के साथ शुरुआत करेगी, आप कमेंट जरूर करें। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑलमोस्ट 90% व्यूवर्स हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है यूएई क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। दरअसल यूएई क्रिकेट बोर्ड ने अब बीसीसीआई को एक नया प्रपोजल दिया, जहां पर यूएई क्रिकेट बोर्ड ने बताया है कि यहां पर जिस कंपनी ने श्रीलंका में वायु बबल क्रिएट किया है, उस कंपनी को आईपीएल में वायु बबल क्रिएट ना करने दिया जाए। जहां पर श्रीलंका में वायु बबल के अंदर कृणाल पांड्या के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर यहां पर सीरीज पर भी काफी अधिक खतरा आ गया था। इसी तरीके से अगर आईपीएल में कोई भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, तो पूरे आईपीएल के सीजन को कैंसिल किया जा सकता है। इसी वजह से यहां पर यूएई क्रिकेट बोर्ड ने और यूएई सरकार ने यहां पर बीसीसीआई को सलाह दी है, यूएई बेस्ड कंपनी को यहां पर आईपीएल में बायो बबल क्रिएट करने का काम दिया जाए। जहां पर अब तक यूएई में यहां पर पिछले 2 साल में जितने भी यहां पर बड़ी मैचेस की टूर्नामेंट हुई है, या फिर जितने भी फुटबॉल के मैचेस हुए, वहां पर यूएई बेस्ड कंपनी ने यहां पर बायो बबल क्रिएट किया।
है। तो कुल मिलाकर अब आईपीएल में बायो बबल क्रिएट करने वाली कंपनी में बदलाव हो सकता है और अब यूएई बेस्ड कंपनी को ये काम दिया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की, तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है नवदीप सैनी की तरफ से। दरअसल कल के मुकाबले में यहाँ पर फील्डिंग करते हुए नवदीप सैनी इंजर्ड हो गए थे। इंजरी के बाद ये यहाँ पर फील्ड से बाहर चले गए थे। इवन कल के मुकाबले में इन्होंने यहाँ पर एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं करी थी और अब इनकी इस फिटनेस को देखते हुए अब हो सकता है कि आईपीएल के पार्ट टू में शायद ये उपलब्ध ना हो, पूरे मुकाबले में उपलब्ध ना हो। तो कुल मिलाकर अगर ये उपलब्ध नहीं होते तो आरसीबी की टीम को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। तो कुल मिलाकर आईपीएल के पार्ट टू से पहले यहाँ पर आरसीबी की टीम के लिए बड़ी यहाँ पर बुरी खबर है कि नवदीप सैनी का यहाँ पर पूरी तरीके से फिट ना होना इसी टीम को बड़ा झटका लग सकता है। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की, तो जो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है आईपीएल टीमों की कैप्टन्स को लेकर। दरअसल दुबई में जो 19 सितंबर से आईपीएल का पार्ट टू शुरू होगा वहां पर लगभग 4 आईपीएल टीमों के अब कप्तानों के बदलाव होंगे। कुल मिलाकर 4 आईपीएल टीमें हमें नए कप्तानों के साथ दुबई में आईपीएल खेलती हुई दिखेगी। सभी कप्तानों की लिस्ट को लेकर आपको आज हमारे यूट्यूब चैनल पर एक डिटेल वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेता है, क्रिकेट से जुड़ी छोटी बड़ी आप कोई भी खबर मिस ना कर पाए। इसके साथ ही आप कमेंट करें कि आपके अकॉर्डिंग आखिर दुबई में आईपीएल के लिए कौन कौन सी टीम अपने कप्तान बदलेगी और आप कप्तान की वीडियो को लेकर आखिर आप एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है 4 स्टार प्लेयर्स की तरफ से जो कि आईपीएल के पार्ट वन में यहाँ पर उपलब्ध थे लेकिन आईपीएल के पार्ट टू से अब ये प्लेयर्स अपनी इंजरी के चलते हुए बाहर हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इन चार प्लेयर्स की, तो इनमें नाम आता है वाशिंगटन सुंदर का नाम आता है, आवेश खान का नाम आता है, शुभमन गिल का नाम आता है, स्टीवन स्मिथ का। ये चारों प्लेयर्स आईपीएल के पार्ट वन में उपलब्ध थे लेकिन आईपीएल के पार्ट टू से अब ये चारों प्लेयर्स बाहर हो सकते हैं, जहाँ पर आवेश खान और शुभमन गिल का, इसके साथ स्टीवन स्मिथ का तो लगभग आईपीएल से बाहर होना कन्फर्म दिख रहा है और वाशिंगटन सुंदर भी अपनी इंजरी के चलते हुए अब आईपीएल के पार्ट टू से बाहर हो सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग अगर ये प्लेयर्स बाहर होते तो इनकी टीमों को आखिर इनके बदले कौन से प्लेयर्स को रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है विराट कोहली की तरफ से। दरअसल विराट कोहली ने यहाँ पर लगभग 2 से 3 दिन पहले एक ट्वीट किया था जहाँ पर एलपीयू की यूनिवर्सिटी को लेकर इन्होंने ये ट्वीट किया था। आप अपनी स्क्रीन पर इनका कंप्लीट ट्वीट देख पा रहे होंगे जहाँ पर इन्होंने बताया था कि ओलंपिक्स में यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स गए उनमें से 10% प्लेयर्स यहाँ पर एलपीयू से गए, एलपीयू यूनिवर्सिटी से ये प्लेयर्स गए जहाँ पर विराट कोहली ने ये पेड प्रमोशन किया था, यानी यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी से पैसे लेकर विराट कोहली ने ये ट्वीट किया था। इसी ट्वीट के बाद अब ASCI कंपनी ने यहाँ पर विराट कोहली को एक लेटर भेजा। इसी लेटर के बेसिस पर अब विराट कोहली को यहाँ पर खतरा हो सकता है, जहाँ पर विराट कोहली ने यहाँ पर ओलंपिक को टारगेट करते हुए एक एडवर्टाइजमेंट किया है, जहाँ पर ओलंपिक को टारगेट करते हुए कोई भी कंपनी या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर यहाँ पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता है। तो कुल मिलाकर विराट कोहली पर यहाँ पर खतरा हो सकता है, विराट कोहली को यहाँ पर BCCI की तरफ से कोई एक्शन लिया जा सकता है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर विराट कोहली को ट्विटर से और इंस्टाग्राम से ये पोस्ट रिमूव करनी चाहिए या फिर नहीं। आपके अकॉर्डिंग विराट कोहली के खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए या फिर नहीं, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।